नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारेश्वर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले नजर टॉप 10 खबरों पर। दिल्ली के दरियागंज हिंसा मामले में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को मिली सशर्त जमानत। 18 फरवरी तक विरोध प्रदर्शन करने पर कोर्ट ने लगाई रोक। निर्भया केस में दोषी मुकेश की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने की खारिज। अदालत ने कहा मामले को लटकाना चाहते हैं दोषी। मुकेश ने डेथ वारंट पर रोक लगाने के लिए दी थी याचिका। निर्भया का गुनहगार मुकेश जाएगा निचली अदालत। दोषी मुकेश के वकील सत्र न्यायालय में डेथ वारंट के खिलाफ डालेंगे याचिका। 22 जनवरी को फांसी मुश्किल। उन्नाव रेप मामले में उम्र कैद की सजा के खिलाफ कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाईकोर्ट में दी याचिका। निचली अदालत ने सुनाई है उम्र कैद की सजा। प्रयागराज में युवती ने लगाया गैंगरेप का आरोप। पीड़ित परिवार की शिकायत पर 5 नामजद और 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR, एक गिरफ्तार। आतंकियों के मददगार DSP देवेंद्र सिंह पर कार्रवाई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया बर्खास्त, जारी किया आदेश। शनिवार को 2 आतंकियों के साथ पकड़ा गया था देवेंद्र। दिल्ली में आप उम्मीदवारों की घोषणा के साथ पार्टी में शुरू हुआ घमासान। टिकट कटने से नाराज विधायकों का विरोध खुलकर आया सामने। एक विधायक ने कहा पैसे लेकर बेचा गया टिकट। CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा में रेल संपत्ति को क्षति पहुंचाने वालों से रेलवे वसूलेगा 88 करोड़ का जुर्माना। अब तक 21 गिरफ्तार। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में अगले 48 घंटे भारी। मौसम विभाग ने जताई एवलांच की आशंका। अलर्ट पर आपदा प्रबंधन। और ICC अवार्ड्स की हुई घोषणा। टीम इंडिया के उपकप्तान रोहित शर्मा चुने गए इस साल के बेस्ट ODI क्रिकेटर। विराट कोहली को दिया गया स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड। सबसे पहले खबरें पाने के लिए ABP गंगा को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए। Facebook पेज है www.facebook.com/ABP गंगा। Twitter पर भी फॉलो कीजिए, हमारा Twitter हैंडल है twitter.com/ABP गंगा।